ये एक जो फियर था सुबह उठ के आना और पता चलना कि ये जो फेलियर हो गया है और मशीन ब्रेक डाउन हो गई है, रोल का बेरी टूट गया है, रोल का अलाइनमेंट की वजह से कोई पुली के क्रैक्स आ गए हैं, कोई सेटल भी फेलियर हो गया है, ये काफी हद तक इसमें हमें कामयाबी हुई और रिजल्ट ओरिएंटेड हम हो गए इसमें बहुत अच्छे। सुबह आते तो कम से कम ये फियर नहीं होता था कि ये ब्रेक डाउन हुआ, बल्कि ये हमें टाइम फ्रेम मिल जाता था बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी जो प्रिडिक्टिव की हमने स्ट्रेटजी लगाई थी कि हम रेगुलर बेसिस पे इसको प्लानिंग कर सकते थे, प्रोएक्टिव प्लानिंग थी उसको हम प्लान कर सकते थे, स्केड्यूल कर सकते थे और इसमें हम अपनी टीम को हेल्प आउट कर सकते थे कि आपने प्रॉपरली किस तरह इस टास्क है इसको हैंडल करना, तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता था। आज जो आपने इसके ऊपर मजीद ब्रीफ किया है इस मास्टर मेंटेनेंस क्लास के अंदर, बच्चों को और एलैबोरेट किया गया है कि एक्चुअली जो मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है उसमें सबसे जो ऑल्दो कि ये पहले सबको पता था सबसे बुरी जो स्ट्रेटजी है वो रिएक्टिव मेंटेनेंस है, लेकिन उसके बाद जो मेंटेनेंस आपने एलैबोरेट किए हैं कि प्रिवेंटिव है, प्रोएक्टिव है, प्रिडिक्टिव है, WCM है, उसमें कौन कौन सी मेंटेनेंस है, इसमें डिटेल में बच्चों को बताया गया है, टीम से डिस्कशन भी हुई है और उनकी फीडबैक भी साथ साथ चल रही है, तो इससे काफ़ी सारा आउटपुट मिल रहा है। इसमें मैं थोड़ी चीज़ ऐड कर दूँ कि इन तमाम स्ट्रेटजी को आप अपना लें, बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले लें, इवन देन भी एक डिफरेंट टाइप की मेंटेनेंस है जो कि मैनेजेरियल लेवल में बल्कि ऑफिशियल अथॉरिटी को भी वो एक्सेप्टेबल होती है, वो उस पर कोई एतराज़ नहीं करते, वो उसका पर्टिकुलर नाम है जो इस वक्त मेरे जेन में नहीं है, लेकिन वो एक मेंटेनेंस है कि सुबह आते हैं जी वो सर जी ऐसा हुआ था कि उसकी ब्रैकेट टूट ब्रेक डाउन हो गई थी, सर जी उसकी बेल्ट चलते चलते टूट गई थी, सर जी चेन कवर टूट गया था, सर जी ये इसको TPM का नाम वो ऑटोनोमस मेंटेनेंस का शायद ये ऐड कर रहे हैं हमारे सब, कल इंशाल्लाह डिटेल में मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये एक ऐसी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है जो कि एक्सेप्ट करनी पड़ती है सबको, और अगर किसी वाइज हम और बाकी जो स्ट्रेटजी है इनको हम फॉलो कर लें तो ये इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसका लेवल बहुत डाउन हो जाता है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा इसमें आना शुरू हो जाता है।